कोई लेके आला अपने पास में, मेरे को जिम्मेदारी नहीं है। कल आधार कार्ड साथ में लेकर आओ, खाद पे ज्यादा चक्कर नहीं, खाद बहुत है, आपको दे दूंगा। आप खाद के लिए आए कितने दिन से? आप खाद के लिए भटक रहे हैं। साहब कई दिन लेट हो गए, खाद मिली नहीं रहा कई दिन से। जहाँ जाओ के कोई है ही नहीं, कि हड़ताल है, कि हड़ताल है, कि खाद है ही नहीं। अब हमारे जनपद में 64 सहकारी समितियां हैं, सभी में पूर्णतः तालाबंदी हड़ताल है, बंदी बढ़ी हुई है, और सारे कर्मचारी जिला सहकारी बैंक पर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन बैठे हुए हैं। हमारी हड़ताल निरंतर जारी है। क्या नुकसान हो रहा है इस हड़ताल से? इससे किसानों का इस समय पे जो उनकी फसल बुवाई चल रही है वो पूर्ण से बंद है। वो लोग हम लोगों को दोषी मान रहे हैं, जबकि पूर्ण से दोष सरकार का है। सहकारी केंद्र वहाँ से लोग लेते हैं, दूसरा मार्केट से। तो मार्केट में ओवर रेटिंग ना हो, इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो MSP है उसी पे खाद बिके। दूसरा, जो किसान मार्केट से लेने में सक्षम नहीं, जो सहकारिता से लेते हैं, उसमें जो PCF की स्ट्राइक थी, कल शाम को हमें सूचना दी गई है कि PCF की स्ट्राइक खत्म हो गई है। आज से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, उस समस्या का समाधान भी आज से हो जाएगा।